सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। रंका प्रखंड के पंचायत रंका कला में वार्ड संख्या 6, 12 और 5 में स्वास्थ्य विभाग रंका के द्वारा शिविर लगाकर महिलाओं, पुरुषों, वृद्धों, युवक युवतियों को फाइलेरिया के लिए रक्त की जांच की गई। रात्रि में ही सैया साथी प्रमिला देवी एवं नेहरू युवा केंद्र से जुड़े पूर्व राष्ट्रीय सेवा कर्मी एवं वर्तमान समाज सेवी अमरेंद्र कुमार के द्वारा लोगों को घर घर जाकर फाइलेरिया जांच करवाने के लिए प्रेरित किया गया। लोगों के द्वारा ये पूछने पर कि रात्रि में ही आप लोग क्यों फाइलेरिया जांच करवा रहे हैं, इस पर समाज सेवी अमरेंद्र कुमार ने सभी को बताया कि क्यूलेक्स नामक प्रजाति के मच्छर के काटने से फाइलेरिया होता है, जिसे साधारण बोलचाल की भाषा में हाथी पांव भी बोला जाता है। संक्रमित मच्छर एक धागे के समान परजीवी को मनुष्य के शरीर में छोड़ता है। ये परजीवी मनुष्य के शरीर के लसिका ग्रंथि में प्रवेश कर इस लसिका ग्रंथि की क्षतिग्रस्त कर देता है, जिस कारण से अधिकतर पैर और शरीर के अन्य भाग फूल जाते हैं। अब इस बीमारी का रात्रि में जांच इसलिए जरूरी है कि फाइलेरिया के कीटाणु रात्रि में ही मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाहिका में संचरण करता है, इसलिए रात्रि में रक्त संग्रह के बाद जांच कर शरीर में उपस्थित कीटाणु का पता कर फाइलेरिया रोगियों की पहचान की जाती है। साथ ही सभी सरकारी अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ऐसे रोगियों को निःशुल्क दवा उपलब्ध कराई जाती है। फाइलेरिया रक्त संग्रह अभियान में BPM सुधीर कुमार, कोऑर्डिनेटर मनोज कुमार, MPW प्रिंस कुमार, प्रणय नंद दुबे, रंजीत सिंह, लाल मोहम्मद, लैब टेक्नीशियन खालिद अनवर और MTS पंकज विश्वकर्मा की सराहनीय योगदान प्रदान कर रहे हैं।